हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मनोविकार, सेक्स रोग, संबंध तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्यूट साइकोटिक एपिसोड ये क्या होता है। क्या होता है कि काफ़ी सारे लोग जो है, काफ़ी सारे पेशेंट हमारे पास में जो आते हैं, वो ऐसे इस तरह के आते हैं कि उनको 2 दिन से लेके 8 दिन के बीच में ही, मतलब पिछले 4-8 दिन में उनको प्रॉब्लम आया, और उनको फिर उनके पेरेंट्स या उनके भाई या कोई और घर के रिश्तेदार लोग उनके हमारे पास में आते हैं। लेकिन कारण बहुत छोटा सा रहता है, कुछ भी छोटा कारण हो गया और एकदम वो वायलेंट हो गए। वो ना स्किजोफ्रेनिक है, मतलब वो कोई पागलपन, एकदम ऐसे पागलपन की बीमारी नहीं कि वो स्किजोफ्रेनिया है या छिन्न मानस है, मगर वो अपसेट हो जाते, उनकी नींद चली जाती, बहुत गुस्सा करना, कभी गाली गलौज करना, कभी किसको मारपीट करना, मतलब ऐसा वो करते हैं कि जिससे घर में उनको रखना मुश्किल हो जाता है। कोई फेक फाक चीज़ करेंगे, कोई मोबाइल फोड़ डालेंगे, गुस्सा बहुत, उनके मन के कुछ खिलाफ किया तो बहुत गुस्सा कर लेंगे, खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, सोएंगे बराबर नहीं, और लगता है क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो भी छोटा कारण हो जाता है, और एकदम वो जैसा एटम बॉम्ब फूट गया वैसा हो जाता है, और उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। फिर हमारे पास में लेके आते हम देखते भी कारण हुआ क्या, तो कारण मिलता नहीं है। हो सकता है कि कुछ फेलियर हो उनके लाइफ में, एग्ज़ाम में फेलियर हो, या कोई अफेयर है उसमें फेल है, या कोई पैसे का नुकसान हो चुका है, या कोई हेल्थ में प्रॉब्लम है, या कोई आपसी रिश्ते में प्रॉब्लम हो गया है, या और कुछ फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। इसके अलावा और कुछ नहीं रहता। कभी ऐसा हो सकता है कि घर में किसको मानसिक बीमारी है, मतलब अनुवंशिकता भी एक कारण हो सकता है कि उनके माँ बाप को किसको ना कुछ, किसको तो भी बीमारी हो चुकी है, और उसका कुछ ना कुछ फिर अंश अभी इसमें आ गया, कोई थोड़ा स्ट्रेस आ गया और ये एकदम बम फूट गया। इसको हम दवाई देते जब है तो दवाई से उनको पहले नींद देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उनकी नींद गायब हो जाती है। एक बार उनकी नींद अच्छी हो गई, 8-10-12 घंटे सो गए, खाना पीना उनको अच्छा मतलब दिया या फिर सलाइन दिया, इंट्रावेनस फ्लूइड्स हम देते हैं, नींद की इंजेक्शन गोलियाँ देते हैं, थोड़ा सा खाना भी खा लेते हो तो अच्छा लगता है, और वो 1-2 दिन में 3 दिन में अच्छे हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं रहती, मगर फिर लोग हमको पूछते भी आगे क्या, आगे करना क्या है। हम बोलते कि नहीं अभी कुछ बोल सकते नहीं, मगर मेरे हिसाब से भाई आपको 3 से 6 महीने यह गोलियाँ कंटिन्यू करनी पड़ेगी, और जहाँ जहाँ स्ट्रेस आएगा वहाँ वहाँ अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, स्ट्रेसफुल वातावरण में जाने का नहीं, क्योंकि अभी कुछ तो भी हुआ और ब्रेकडाउन हो गया, कुछ तो भी हुआ और वो संतुलन उनका निकल गया है। तभी जैसा फ्रैक्चर हो गया उसका ऑपरेशन कर दिया, उसके बाद में उसको बोला कि तो दौड़, तो दौड़ेगा नहीं, दौड़ भी सकता नहीं है, वैसा अभी इसका दिमाग का फ्रैक्चर हो गया, उसको अपन ने इलाज किया, अभी उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस देने का नहीं है, आराम करने देने का है, 3 से 6 महीने गोलियाँ यदि खाते रहता हो और अच्छा जीवन, रेगुलरली डाइटरी हैबिट बराबर है, नींद अच्छी है, तो कुछ होगा नहीं, अपना जीवन अच्छी तरह से वो बिता सकता है। तो ये वो लोगों के लिए है कि जो फिर डॉक्टर का इलाज ना करते हुए बाहर ही इलाज करते हैं, बाहर मतलब काली जादू है और कुछ तो भी है, और वो इलाज करके फिर पेशेंट और बिगड़ जाता है, हमारे पास में जब आता है तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो ऐसे कुछ पेशेंट रहे तो ज़रूर आपके पास के डॉक्टरों का इलाज आपने करना ज़रूरी है, काम पड़ा तो हॉस्पिटलाइज करो। और दवाइयाँ इतनी अच्छी है कि वायलेंट कितना भी पेशेंट रहे, कितना भी एक्साइटेड रहे, इंजेक्शन हम देते हैं ना तो 2-4 घंटे में पेशेंट एकदम क्वाइट हो जाता है, शांत हो जाता है। तो जरूर ये वीडियो लोगों को शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी हो जाएगी, और लोग थोड़ा भी सिम्टम आता है, थोड़े भी लक्षण आते हैं तो डॉक्टर के पास में चले जाएंगे। हमारे यहाँ 2 हॉस्पिटल है जहाँ मनोरुग्ण तथा व्यसनी लोगों को रिश्तेदारों के साथ में भर्ती करते हैं, और दूसरा एक हॉस्पिटल है वहाँ मनोरुग्ण तथा व्यसनी लोगों को बिना रिश्तेदार हम भर्ती करते हैं। हमारा मिशन जो है वो है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य, व्यसन मुक्त भारत। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और घंटी का चिन्ह आएगा उसके ऊपर भी प्रेस करो, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जरूरत, मतलब सबसे पहले आपको आ जाएंगे, और ये वीडियो आपके व्हाट्सएप के, फेसबुक के ग्रुप के ऊपर शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।